जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें पहला क्वेश्चन है जो ईवीएस से संबंधित पूछा गया है, हम देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत का जैव विविधता अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये आपका बायोडायवर्सिटी एक्ट है, वो इंडिया की पार्लियामेंट में कब पारित किया गया था? तो ये आपका किया गया था 2002 में। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन नंबर ये पूछा था कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो आप भी जानते होंगे, ये आपका 22 मई को ये विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसके साथ तीन नंबर क्वेश्चन भी देख पा रहे होंगे, ये कह रहा है कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1972 में। ठीक है, तो इसके चारों क्वेश्चन हो चुके हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कह रहा है कि परिस्थानीय संरक्षण संरक्षण हेतु प्रयुक्त किया जाता है, यानी एक्स सीटू जो कंजर्वेशन है वो किन के लिए होता है? तो हम जानते हैं जो आपका एक्स सीटू हुआ और इन सीटू, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सीटू से ही पूछा है। तो हम एक्स सीटू की बात करते हैं, तो इसमें संकटग्रस्त जो भी एंडर्ज प्रजातियाँ होती हैं, चाहे वो पादप की हों या जंतु की, ये उसी से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें ध्यान रखना है कि इसमें उदाहरण आते हैं कि आप बताइए एक्स सीटू का उदाहरण क्या होगा। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ यहाँ पर, जो परीक्षा में क्वेश्चन बन चुके हैं, जैसे एक तो जीन बैंक आती है आपकी, ठीक है, जीन बैंक कह लीजिएगा इसे ही, या जीन लाइब्रेरी कह लीजिएगा, जीन लाइब्रेरी, ठीक है। साथ ही साथ आप एक दो नाम हो गए इसके और भी रख सकते हैं, जैसे कि आप जूलॉजिकल पार्क बनवा देते हैं, जूलॉजिकल पार्क, ठीक है, या बॉटनिकल पार्क हो जाएगा। तो ये संबंधित हो जाएंगे प्लांट से, ये जंतुओं से, और ये उनके जो भी उनसे संबंधित कोई भी चीज़ है वो संरक्षित करके रखी जा सकती है। तो ये एग्जाम्पल होते हैं कि परिस्थानीय में कौन, यानी एक्सीटू के कंजर्वेशन के कौन कौन से उदाहरण है। तो ये आप याद रख सकते हो, जीन बैंक, जीन लाइब्रेरी, जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5 के, स्वस्थानीय संरक्षण में शामिल है, यानी इंस्टीट्यू में कौन कौन शामिल है? तो इसमें बायोस्फीयर हो जाएंगे, यानी जैव मंडल, राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल आपके पार्क हो जाएंगे, साथ ही वन्य जीव अभ्यारण्य जिन्हें हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं, ये भी सम्मिलित हो जाएंगे। 4 नंबर है पवित्र जंगल यानी सेक्रेट फॉरेस्ट, ये भी सम्मिलित हो जाएंगे। तो इसका फिर सभी हो जाएंगे, यानी आप कह सकते हैं सभी हो जाएंगे। इसमें ध्यान रखना है, जो भी प्राकृतिक चीजें आएंगी ना, प्राकृतिक मीन्स ये है, आप कह सकते हैं प्राकृतिक संरक्षण इसी के अंडर में आएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन चुका है, तो प्राकृतिक संरक्षण भी इसी के अंडर में आ जाएगा। तो इसका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारत कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, यानी बायो जियोग्राफिकल रीजन कितने हैं? तो वो 10 भागों में डिवाइड किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, साइट्स क्या है, यानी ये फुल फॉर्म इसकी बतानी है, तो इसे बोलेंगे हम कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडर्ज स्पीसीज, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1975 में की गई थी। इसमें यही चीज है कि जो भी संकटग्रस्त प्रजातियां होती हैं उनकी देखभाल की जाती है। ये अंतर्राष्ट्रीय एक संस्था है, और इसके अंडर में बहुत सारी चीजें की जाती हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हम 1 कहेंगे कि संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सम्मेलन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है, भारत सरकार द्वारा बाघ परियोजना किस वर्ष पारित की गई या प्रारंभ की गई? ध्यान रखना, पारित करना अलग चीज है और प्रारंभ करना अलग है, यानी चालू की गई थी 1973 में, ये ध्यान रखना है। 72 भी इसके ऑप्शन आते हैं, लेकिन ध्यान रखना है प्रारंभ की गई थी 1973 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की किस राज्य में गिर राष्ट्रीय उद्यान है? सिंपल ही क्वेश्चन है, ये गुजरात में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 10वां, बीज बचाओ आंदोलन कहाँ पर प्रारंभ किया गया था? तो ये आपके जो हिमालय है ना, उसके तलहटी में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट 11वां नंबर है, इसमें से बीमल छाटना है, यानी अलग है वो छाटना है। जैसे गिर राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई शेर पाए जाते हैं, ये बात सही है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सिंह वाला गैंडा पाया जाता है, ये भी बात सही है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में हुलॉक किपन पाए जाते हैं, ये गलत है। इसमें बाघ पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी पश्चिमी घाट में लॉन टेल्ड मकाका, ये एक बंदर की प्रजाति है, ये भी पाई जाती है। तो हम ये कहेंगे 4 सही है, 2 सही है, 3 सही है। इसमें गलत कौन सा है वो हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये सिंपल ही है कि जो वन्य जीव सप्ताह दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? तो अक्टूबर के पहले सप्ताह तक ही मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आपका है नेक्स्ट, सूर्य से सौर ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो वो आपकी अल्ट्रावायलेट तो होती नहीं है, अवरक्त भी नहीं होगी, अनुप्रस्थ भी नहीं होगी। अगर इसमें अनुप्रस्थ होता केवल फिर ये विद्युत चुम्बकीय नहीं होता तो हम तीन नंबर पे जा सकते थे, लेकिन इसमें विद्युत चुम्बकीय दे रखा है। विद्युत चुम्बकीय तरंग वे तरंग होती हैं जिनके संचरण के लिए हमें वातावरण की आवश्यकता नहीं होती, जैसे वायु, ठोस, द्रव वगैरह ये चीज़ें, यानी आप ऐसे कह सकते हैं इनके लिए कोई भी वातावरण की आवश्यकता नहीं होती, ये कहीं पर भी ट्रेवल कर सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है कि रामसर जो सम्मेलन है वो जाना जाता है, तो हम जानते हैं क्या जानते हैं कि जो भी वेटलैंड होती है ना उनसे संबंधित होता है, यानी आप कह सकते हैं जैसे सुंदरबन डेल्टा हो गया और राजस्थान में सावर झील हो गई जो खारे पानी की झील है, तो ये कुछ पक्षी विदेशी भी आते हैं वहाँ पे, वहीं पे चरण वगैरह कर लेते हैं, तो निश्चित तौर से उसी क्षेत्रों को जहाँ पर दलदली भूमि हो, थोड़ी नमकीन भी हो, नमकीन मीन्स ये कि वहाँ पर खारा पानी पाया जाता हो, तो ये चीज़ें होती हैं, उसे ही हम नम भूमि संरक्षण क्षेत्र कहते हैं। ध्यान रखना है ये जो कह सकते हैं रामसर साइट है, इसकी स्थापना हुई थी वो 1 फरवरी 1982 में की गई थी। अभी वर्तमान में इसमें रामसर साइट भारत के अंदर कितनी है, 82 है, जिनमें से दो साइट नई है जो अभी बिहार में इनके नामित किए गए हैं। वो नाम है एक मुंगेर डिस्ट्रिक्ट है, मुंगेर जिसे मुंगेर बोलते हैं या मुंगेर मुंगेर बोलते हैं, इसमें दो है, एक तो नेगी और एक नेकटी, इस प्रकार दो नाम है, ये रामसर साइट घोषित की गई है जो वर्तमान में अभी यही चर्चित है दोनों, ध्यान रखना है। और ये परीक्षा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से कौन सा कोयला है जो अधिकतम कार्बन या कैलोरी मान होता है? तो आप भी जानते होंगे ए बी एल पी, यानी सबसे बढ़िया वाला होता है एंथ्रेसाइट जिसमें कैलोरी मान भी अधिक होता है और कार्बन की मात्रा भी, और सबसे खराब होता है पीट, पी से पीट, एल से लिग्नाइट, बी से बिटुमिनस, तो इसका इसमें जो राइट आंसर होगा वो तो एंथ्रेसाइट हो जाएगा। ध्यान रखना ये भी पूछा जाता है बुरा कोयला किसे कहते हैं, और तो वो उसे क्या कहते हैं, लिग्नाइट होता है, तो ये भी ध्यान रखना, इसका तो राइट आंसर चार नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 16वें नंबर का, ये कह रहा है कि नाइट्रोजन उर्वरक की अधिकता से क्या होगा, यानी आप जो यूरिया आता है एनपीके वाला जिसमें 40% नाइट्रोजन होती है, आपने देखा होगा जो भी कट्टा आता है प्लास्टिक का उसमें लिखा होता है ये, तो निश्चित तौर से अगर अधिक करोगे तो क्या होता है, नॉर्मली ये होता है कि जो प्लांटों में नाइट्रोजन की कमी होती है उसी के लिए यूरिया दिया जाता है जिससे वृद्धि अधिक जल्दी हो, जल्दी पेड़ बढ़े, लेकिन वो ऑलरेडी आप उसे एक बार दे दिया फिर दो बार तीन बार 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 दोगे तो क्या होगा, उसकी वृद्धि की समस्या यानी इतना बड़ा हो जाएगा कब वो मतलब फसल ही नष्ट हो जाएगी, साथ ही साथ फल लगने की समस्या ये भी कारण हो सकता है, कीट की समस्या भी हो सकती है, यानी उपयोग सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी अधिक आप उर्वरक डालोगे तब। क्वेश्चन नंबर 17वां है कि सिंचाई जल की लवणीयता किसके द्वारा मापी जाती है? तो आप है एक चीज ध्यान रखना, क्या रखना याद कि मैं आपको ये साइंस के अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ, अगर पीएच का मान 7 से कम है तो अम्ल हो जाएगा, आप भी जानते हैं, अगर 7 से अधिक चला जाए तो फिर वो क्षार हो जाएगा, और 7 रहे तो उदासीन होगा, उदासीन में कोई विद्युत का प्रभाव नहीं होता है तो इसे काट दीजिए, यानी ये ऑप्शन हो सकता है, यानी पीएच का मान के आधार पर लवणीयता माप सकते हैं। जल में लवणीयता का मतलब ये है कि आप है जब 7 पीएच आ जाएगा तभी तो अम्ल क्षार अगर स्ट्रोंग होते हैं जब मिलाए जाते हैं तो 7 पीएच आ जाती है, तो इसका मतलब होता है कि जल है वो क्या है, उदासीन है, ठीक है। अगर उसमें से कम ज्यादा हो जाता है यानी उसकी रेटिंग है 7 से कम आ जाती है उसे अम्ल कह देंगे, 7 से ऊपर चली जाती है क्षार कह देंगे, और सेकंड ऑप्शन था विद्युत चालकता। अब ध्यान रखना है विद्युत का प्रवाह या तो अम्ल में होगा या क्षार में, उदासीन में नहीं हो सकता, तो इसके आधार पर भी हम पता कर सकते हैं, इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर 2 और 3 होगा। वैसे देखा जाए तो इसमें ये पूछा केवल जो सिंचाई की जाती है उसमें जल की लवणीयता मापेंगे तो किसके थ्रू, तो हम तो दोनों के द्वारा माप सकते हैं और गलत भी नहीं होगा, दोनों ही राइट आंसर हो जाएंगे इसके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन खतरा किसके परिणाम स्वरूप होता है? आप देखते होंगे टीवी वगैरह में ये बहुत ज़्यादा हिमालय उत्तराखंड इन साइटों में ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर ही पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, तो देखो सड़कों में कटाव हो जाता है इनकी वजह से, भूकंप की गतिविधियाँ हो जाए तो उसकी वजह से भी हो सकता है, वनों की अधिक कटाई से होता है उसका रीजन भी होता है, एक शहरीकरण है
जो पेड़ पौधों को काटना शहरीकरण तभी तो हो पाएगा। तो निश्चित तौर से इसके इमारत क्षेत्र में भूस्खलन के ये आपके लैंडस्लाइड होती है ना उसके कारण है। तो ऑप्शन नंबर इसका 84 हो जाएगा। ये सभी रीजन हो सकते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर आपका 19 बार है, इसमें क्या पूछा गया है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बार है, ये कह रहा है खनन के पश्चात है उसी भूमि के मूल अवस्था अथवा उससे भी बेहतर अवस्था की ओर लौट जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अच्छा क्वेश्चन है ये, तो हम उसे रिक्लेमेनेशन बोलते हैं यानी भूमि उद्धार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, यानी ऐसी डेफिनेशन पूछी जाती है। और निश्चित तौर से ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन लगते हैं ना, तो आप भूकंप वगैरह पढ़ेंगे तो निश्चित तौर से वहाँ पे बहुत सारे ऐसी टर्म आती है जो आपको याद रखनी होती है, तो ये उन्हीं से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 20 नंबर, ये कह रहा है इसमें से कीटनाशक नहीं है, यानी कीटनाशक नहीं है, तो इसमें से कीटनाशक नहीं है यानी पेस्टिसाइड्स नहीं है। जैसे मेटल्डिहाइड ये होती है कीटनाशक, DDT ये खेतों में हम डालते हैं कीटों को भगाने के लिए, तो ये भी होती है। मेलाथाइओन ये भी होती है। बाकी जो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल अम्ल है ना, ये तो हम जब भोजन जब हमारा यकृत है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है तो उस टाइम पे ये कोशिकाओं द्वारा बनाया जाता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक अम्ल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो ये क्या पूछा था, मैं ये पूछा था कीटनाशक नहीं है, तो ये कीटनाशक थोड़ी है, ये तो हमारे जो हम खुद से एनिमल हैं तो निश्चित तौर से हमारे जो शरीर में है ये कोशिकाओं में पाया जाता है, तो ये कीटनाशक तो उतने से रहा, और बाकी ये ऊपर के तीन होते हैं ये कीटनाशक हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं मोस्टली देखा जाए, एग्जामिनर फंसाना चाहता है इस प्रकार के क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है सौर ऊर्जा जल विद्युत शक्ति और वायु और भूतापीय ऊर्जा किसके उदाहरण है। तो निश्चित तौर से ये नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है फसलों का विचार कीजिए और नीचे दिए गए प्रयोग करते हुए जैव ईंधन, जैव ईंधन को क्या कह रहे हैं यहाँ पे, बायोफ्यूल क्रॉप यानी, हाँ सही है, जैव ईंधन जो फसल होती है वो कौन कौन सी, एक तो रतन जो होता है जिसे जेट्रोपा कहते हैं और ये राजस्थान में पाए जाते हैं और भी राज्यों में पाए जाते हैं, चुकंदर है इससे भी होता है और केसावा, ये ध्यान रखना है एग्जाम्पल, ये सभी है ना जैव ईंधन फसल के रूप में उपयोग किए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ये क्वेश्चन क्या पूछा है, ये क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है कि राजस्थान के नगर पालिका क्षेत्र में न्यूनतम क्षेत्रफल के भूखंड के निर्माण पर छतों पर वर्षा जल संचयन प्रणाली लगवाना अनिवार्य है, यानी कितने मीटर तक, तो हम कहेंगे 300 मीटर स्क्वायर तक। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसा कि देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 24 पर है, इसमें पूछा है भारत में किस प्रकार के वन अधिकतम प्रतिशत में पाए जाते हैं। अगर इन सभी को आप ऑप्शनों को ध्यान से देखें, ये अच्छा क्वेश्चन है और ये बार बार यही पूछा जाता है भारत में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं या किस प्रकार की जलवायु है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसी भी एग्जाम को देखेंगे, एग्जाम अगर एक दो बार हो जाता है तो निश्चित तौर से ये वाला क्वेश्चन मैंने हर जगह देखा है कि भारत में किस प्रकार के वन अधिकतम है और सबसे कम किस प्रकार के हैं, और दूसरा भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो ध्यान रखना है अगर वनों की बात करें अधिकतम किस प्रकार के पाए जाते हैं, तो वो आपके जो जलवायु है ना उसी आधार पर मालूम पड़ जाएगा भारत भारत में किस प्रकार की जलवायु है, उसी आधार पर बन होते हैं। अब देखा जाए तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन, ये ध्यान रखना है इंग्लिश यहाँ पर ध्यान रखना, मोइस्ट डेडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं ट्रॉपिकल, आप कह सकते हो यानी जो उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, जो निम्नलिखित में से किसकी संख्या है वो खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक होती है, तो हम जानते हैं वो तो आपके उत्पादक यानी जो प्लांट्स होंगे ना उन्हीं की होगी, क्योंकि सभी इसी इन्हीं पर डिपेंड है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक झील में द्वितीयक पोषक स्तर कौन सा होता है? तो वो जंतु प्लवक होगा। प्राथमिक पोषक स्तर होगा वो पादप प्लवक होगा, जैसे इंग्लिश में फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं, और जबकि जंतु प्लवक को जूप्लैंक्टक बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये प्राथमिक हो जाएगा और ये द्वितीयक, तो आपका पोषक स्तर राइट आंसर हो ही जाएगा जो पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, एक समुदाय जो स्थिर एवं जलवायु के साथ है संतुलित, यानी संतुलन स्थापित कर ले और जाना जाता है, यानी ये किससे संबंधित है? तो ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है। यानी ये क्वेश्चन बहुत सी परीक्षा में पूछा गया है, इकोलॉजी पढ़ते ना पारिस्थितिकी, तो उसके अंतर्गत आता है। यानी ये कोई एक समुदाय है जो क्या है, स्थिर एवं जलवायु के साथ है, अपने आप को ऐसे कह सकते हैं, वो अपने आप को एडॉप्ट कर लेता है वहाँ के अकॉर्डिंग, यानी अनुकूलित हो जाता है, तो हम उसे बोलते हैं चरमोत्कर्ष, यानी इंग्लिश में ध्यान रखना है क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, बोट का वोल्टेरा मॉडल पारिस्थितिकी अध्ययन हेतु प्रयोग किया जाता है। ये सीधा ही पूछ लिया जाता है, जैसे कि आपका लोट का वोल्टेरा मॉडल पारिस्थितिकी है वो किससे संबंधित है? तो ये ध्यान रखना है, ये संबंधित हो जाएगा आपका, चाहे तो वो शिकारी की जनसंख्या में दोलन से संबंधित हो, या शिकार की जनसंख्या पर प्रभाव हो, या शिकार का शिकारी की जनसंख्या पर प्रभाव हो, किसी प्रकार भी कर ले, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। यानी ये सभी आप समय डिपेंड होते हैं, यानी आप समय संबंधित होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उच्चतम स्थैतिक ऊर्जा किसमें पाई जाती है? इसे स्थैतिक को हटा दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है, अब तो याद रखिए, हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर पाई जाती है? तो हम कहेंगे ये कहाँ पर पाई जाएगी, उत्पादकों में ही पाई जाएगी। यूँ पाई जाएगी कि ये सूर्य से प्रकाश को ग्रहण करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया करते हैं, तो उसके आधार पर प्लांट्स अधिक हो जाते हैं, तो इसी में सर्वाधिक एनर्जी होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तीस नंबर, प्रक्रिया जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र में एक तंत्र में एक समय अवधि के पश्चात परिवर्तित होते हैं, यह प्रक्रिया कहलाती है। यानी ये कह रहा है कि प्रक्रिया जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र एक समय अवधि के पश्चात परिवर्तित होते हैं। वैसे देखा जाए तो ये अनुकूलन के अंडर आएंगे, लेकिन हमें इन ऑप्शनों के आधार पर देना है क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। तो हम कहेंगे ये पश्चात परिवर्तित हो जाता है, तो इसे अनुक्रमण कहेंगे। ठीक है, यानी जिसे सक्सेशन बोल सकते हैं, यानी आप ऐसे कहते हैं डे बाई डे आपके जो भी शरीर में या वातावरण में जो परिवर्तन हो उसी के अनुसार आप अपने आप को डाल रहे हैं, ये वही संबंधित परिभाषा। ये परिभाषा हुई, एक परिभाषा ये 27 नंबर वाली हुई, ये वो क्वेश्चन है सदाबहार, किसी न किसी परीक्षा में टपक ही जाते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 31वां, भारत में जो शंकुधारी वन होते हैं जिन्हें हम कॉनिफेरस बोलते हैं, तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाएंगे जहाँ पर पहाड़ियाँ होंगी। पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? उत्तर पूर्व, यानी आप कह सकते हैं पूर्वी राज्य, जो सेवन सिस्टर है ना, उनमें ज़्यादातर पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, वहीं पर पाए जाते हैं आपके शंकुधारी वन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 32वां, का पेड़ हो गई, बबूल हो गया, नीम हो गया, ऐसी वनस्पति की उदाहरण ये है कि जिनमें किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, यानी यहाँ पर बेर हो, बबूल हो, नीम हो, तो ये किस प्रकार की वनस्पति के उदाहरण होंगे? तो पर्णपाती होगा, या सदापर्णी वन होंगे, या अर्धशुष्क वन होंगे, या मैग्रोव डेल्टा होंगे। मैग्रोव डेल्टा तो हो नहीं सकते, बाकी एवरग्रीन भी नहीं होंगे, इन दोनों में से ही हो सकते हैं, यानी बेर, बबूल और नीम, ये होंगे आपके अर्ध शुष्क वन वाले में आते हैं ये, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक आंशिक रूप से पर्वत तटीय क्षेत्र जिसमें एक से अधिक नदी बहती है बहती हो और एवं जिसका समुद्र से भी संपर्क हो, तो इसे क्या कहते हैं? इसे हम एचुरी कहते हैं, इसकी इंग्लिश याद रखना, एचुरी बोलते हैं, जहाँ पर जाके कह सकते हैं कई नदियाँ मिलके आपस में, और जहाँ पर उनका कह सकते हैं अंतिम स्थान होता है जहाँ समुद्र में गिरती है, तो वहाँ पर एक चाहे तो वो रेतों का, रेत में से मिट्टी का, और उसके साथ जो बाह के लाई है कंकड़ पत्थर जो भी चीज़ है उसका, वो एक टापू सा बन जाता है, उसे ही बोलते हैं एचुरी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखो इस प्रकार के क्वेश्चन फंसा जाते हैं, आपको इनमें सभी के स्टेटमेंट पता होगा तभी आंसर लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं, क्योंकि ये गलत पूछ रहा है और इसमें तीन सही है एक गलत है। अब हमें क्या मालूम है, पढ़ देख लेते हैं, पढ़ के उसी से अंदाजा लगेगा। ये कह रहा है इकोटर्न दो पारिस्थितिक तंत्र के बीच का एक संक्रमणकारी क्षेत्र होता है, बिल्कुल सही बात है, दो चीज़ों के मध्य का स्थान होगा ना वो इकोटर्न होगा, जैसे कोई जंतु है, जंतु मान लीजिए, कोई पेड़ पौधे मान लीजिए,
और यहाँ पर कोई तालाब वगैरह मान लीजिए, तो ये जो मध्य का स्थान होगा ना इकोटोन कहलाएगा। इसे अन्य एग्जाम्पल लेकर भी कर सकते हैं, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था। नेक्स्ट है कि इकोटोन में प्रजातियों की संख्या कम होती है, ये कहीं ना कहीं मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि जहाँ पे इकोटोन होता ना वहाँ पे तो संख्या अधिक होगी, क्योंकि ये यहाँ पर तालाब भी है या पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं और जंतु भी पाए जा रहे हैं, तो निश्चित तौर से संख्या अधिक होगी, तो यही गलत हो जाएगा। बाकी कोर प्रवाह इकोटन में पाया जाता है, इकोटन में एक प्रजाति की संख्या अधिक हो सकती है, ये भी बात सही है। यानी दो नंबर ऑप्शन मुझे गलत लग रहा है और बाकी सही है, यही हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ये कह रहा है शाकवर्ती साग खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषक स्तर में जीव कौन से होंगे। यानी ये कह रहा है कि जो आपका ग्रेजिंग फूड होता है ना, जो घास, तो उसमें जो प्राथमिक स्तर पर कौन होगा, आपके डेटरी बोरस होंगे या आपके डिकम्पोजर होंगे या प्लांट्स होंगे या बोथ होंगे। अरे हम प्लांट्स में जाएंगे, कोई भी हो, प्राथमिक अगर हम बात करें घास की बात करें या ऊर्जा के प्रवाह की बात करें, तो उसमें प्लांट कोई लेके आधा चला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा, क्योंकि ये प्लांट्स हैं सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू भोजन बना लेते हैं, जिससे इनकी संख्या अधिक हो जाती है और इसी पे सभी डिपेंड होते हैं, चाहे प्राथमिक उपभोक्ता हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सी जीव है अपघटक है। भाई साहब ये शानदार क्वेश्चन है, जो भी आप है किसी भी परीक्षा की बात कर लें, चाहे वो ग्रुप डी यानी थर्ड ग्रेड से लेकर आप किसी भी उच्च परीक्षा की तैयारी कर लें, ये जरूर पूछा जाता है कि जो डिकम्पोजर है उनमें कौन सम्मिलित होते हैं। आपको ध्यान रखना है, कभी भी इसमें आते हैं आपकी एक तो पहले नंबर पर जीवाणु आ जाएगा, दूसरे नंबर पर कवक आ जाएगा, ये ध्यान रखना। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये रट लीजिए, ये तो निश्चित तौर सही हो जाएगा। ये कुछ ऐसे होते हैं व्यवहारिक क्वेश्चन होते हैं, और इसमें आपकी नॉलेज की थोड़ी बहुत आपने रेफरेंस बुक पढ़ी है तो उसी आधार पर लगा सकते हैं। वैसे ये कंपटीशन में ये परीक्षा में नहीं आएगा इस प्रकार का क्वेश्चन, ये उन्हीं में आता है जहाँ पे फॉरेस्ट से संबंधित नॉलेज अधिक होनी हो, यानी उसी से संबंधित, तो ठीक है उससे संबंधित, लेकिन आंसर बताते चलेंगे। ये कह रहे हैं स्टॉक होल्डर प्रबंधन एवं कर्मचारियों के उचित स्तर एवं मुनाफे के साथ है कॉर्पोरेट नागरिकता को संतुलित करने वाली गतिविधि कौन सी है, कौन सी हो जाएगी। इसमें 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी सामाजिक उत्तरदायित्व। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये भी उसी इस प्रकार का है, इसे भी आप इग्नोर कर सकते हैं, आगे वाले क्वेश्चन देख सकते हैं। सुरक्षा का अधिकार है वो सूचित करने का अधिकार है, चुनने का अधिकार है और सुने जाने का अधिकार है, इसी किससे संबंधित है, तो ये उपभोक्ता से हो जाएगा ना, नैतिक आचार हिसाब से, तो ये मेरे हिसाब से तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 ही होना चाहिए, उपभोक्तावाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ये कह रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है और ये आपके एनसीईआरटी से पूछा है। एक भूमि की एकल इकाई का अपवहन क्षेत्र है 7 प्रबंधन, जिसमें मृदा जल प्रबंधन भी सम्मिलित होता है, उस वनस्पति क्षेत्र का विकास क्या कहलाता है। भाई साहब ये एनसीईआरटी की क्लास 9th जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे ना, वहाँ पे ये चीजें दे रखी हैं, जिसे हम कहते हैं वाटरशेड मैनेजमेंट। भाई साहब यही चीजें दे रखी हैं, सीधी की सीधी वहां से उठा के पूछ लेते हैं ये भी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैस है, CO नहीं होगी, CO2 हो जाएगी, बाकी NO2 SO2 ये नहीं होती है। ठीक है, ये तो नॉर्मली आप खुद से भी कर सकते हैं ये इस प्रकार के क्वेश्चन। अब हैं जो क्वेश्चन बाकी में EVS से पूछे जाते हैं, ये विभिन्न परीक्षाओं में, एक तो इससे पहले हमने किया है और इससे पहले भी किए थे जो एक्ट वगैरह थे, अभी तो एक्ट आएंगे, वन्य जीव संरक्षण कब पारित किया गया था, NGT की स्थापना कब की गई थी, ये बहुत सारे क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। लेकिन 41 नंबर है कि अम्लीय वर्षा में होता है, क्या होता है, हम जानते हैं H2SO4 होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं इसे, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये कहे ओजोन परत विद्यमान होती है, तो हम कहेंगे ये करीबन होती है 15 से लेके 50 के मध्य में, और इस प्रकार का ऑप्शन जो भी होगा वही हो जाएगा। ध्यान रखना है पहले क्षोभ मंडल आता है, उसके बाद आता है समता मंडल, इंग्लिश भी ध्यान रखना है, समता मंडल को आप है स्ट्रेप्टोस्फीयर कहते हैं, स्ट्रेप्टोस्फीयर। तो देख लीजिएगा पृथ्वी की सतह से 15 से लेकर 35 के नीचे नहीं होगा, ऊपर ही होगा, सतह से इतने ऊपर, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये खुद के लॉजिक से भी लगा सकते हैं ना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, ये तो अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पर लागू किया गया था, ये किया गया था आपका 85 85, इन दोनों में से होगा तो 86 होगा,
ठीक है, ये देखो बहुत कंफ्यूज करने वाला है आपको। मैं अभी इस क्वेश्चन को रिपीट करूंगा अगले क्वेश्चन में, यानी दो तीन क्वेश्चन छोड़ के देखना आप। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986 में। ये बहुत परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 44 नंबर, कौन सा अधिनियम है वो राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण एवं उनकी अधिसूचना की घोषणा से संबंधित है? उसमें देखो इसमें राष्ट्रीय उद्यान भी आ गए, वन्य जीव भी आ गए, और इसकी अधिसूचना कब घोषणा की गई थी? तो ये की गई थी आपकी इसमें घोषणा 1986 हो जाएगा, जो पहला ऑप्शन दे रखा है ये वाला। वन संरक्षण हमने पढ़ा था वो भारतीय वन अधिनियम और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात होती है जिसमें आपके चाहे तो वो राष्ट्रीय पार्क हो या वन्य जीव हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 86 हो जाएगा। और ध्यान रखना वन्य जीव संरक्षण कब पारित किया गया था, ये क्वेश्चन हमने शुरुआत में किया था आपको ध्यान हो 1972 में। अगर बात करें भारतीय वन अधिनियम कब आया था, ये शायद 1927 में आया था, ठीक है। और इसके अलावा कोई और भी बच रहा है, ठीक है, ये वन संरक्षण बच रहा है लेकिन इसकी डेट मुझे मालूम है नहीं पक्का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ये कह रहा है कौन सा कथन है वो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम के बारे में गलत है? गलत चूज करना है, या नेशनल ग्रीन ट्राइबल एक्ट, ये 2010 में आया था ये ध्यान रखना, और ये इसकी ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में, यानी दिल्ली में। ये कह रहा है कि गणतंत्र दिवस 61वें वर्ष में संसद अधिनियम पारित किया गया था, ये बात सही है। इसमें कुल अध्याय 5 है, ये भी बात सही है। ये स्टॉकहोम और प्रति सम्मेलन का परिणाम है, ये भी बात सही है। ये संविधान के अनुच्छेद 24 नहीं है 21 में, तो ये ही गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि कौन सा है स्टॉक ऑफ सम्मेलन के बारे में कह सकते हैं सही है, बिल्कुल सही है, वही बताना है। जैसे कि आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें, ये कह रहा है कि स्वीडन में ये 8 से 13 जून को स्वीडन में इतने को हुआ था, ये गलत है। ये पर्यावरण मुद्दों को उजागर करने और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, ये बात सही है। ये रियो सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, ये गलत है। इस सम्मेलन में 26 सिद्धांत के सुझाव दिए गए थे, ये बात सही हो जाएगी, यानी 2 और 4, केवल 2 और 4, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको है फैक्ट के तौर पे याद रखने होंगे, रटने भी होंगे, ऐसे कह सकते हैं। पर्यावरण के संदर्भ में ये कह रहा है गंदा दर्जन, यानी आप कह सकते हैं इंग्लिश में क्या कह रहा है इसे, डर्टी डजन रैपट हो, यानी इसका अर्थ क्या है, तो ये आप ध्यान रखना है, इसे आप रट लीजिएगा। आप कह सकते हैं इसके जो 12 चिरस्थायी कार्बनिक पदार्थ होते हैं, यानी जो पेरिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट होते हैं, उसे ही बोलते हैं डर्टी दर्जन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड है, ये कह रहा है कूटो को सही उत्तर चयन कीजिएगा। मैंने 2 नंबर लगाया ना चिरस्थायी कार्बनिक पदार्थ, तो यहाँ पर भी ये 2 ही नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें से बताना है आपको ई आई ए इसे बोल सकते हैं पर्यावरण प्रभाव आकलन है, तो इसका एक भाग नहीं है, वो चूज करना है। आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे, यानी EIA प्रक्रिया की आवश्यकता का निर्धारण करती है, तो ये बात तो सही है। समिति पूर्ण EIA की आवश्यकता का निर्धारण करती है, ये भी बात सही है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों के अध्ययन का निर्धारण करती है, और परियोजना पर्यावरण महत्व प्रभाव के होने के निर्धारण करती है, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, बाकी सभी सही थे, यही गलत था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रथम प्रकाश रासायनिक धुंध की पहचान कहाँ पर की गई थी? तो ये लॉस एंजल्स में की गई थी 1943 में, ये NCERT ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना उसमें भी दे रखा है ये, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट 50 नंबर। ये क्या कह रहा है कि खतरनाक अपशिष्ट यानी प्रबंधन एवं हैंडलिंग नियम भारत में प्रभावी कब हुआ, यानी खतरनाक अपशिष्ट, ये हुआ था आपका 1900, आप कह सकते हैं इनमें से हो जाएगा,
इसका राइट आंसर हो जाएगा वो 1989 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दो। इसके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमने 50 कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 51 है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान है ये आपकी हो जाएगी पूना में। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, यानी ये जैसे कि एसएससी वगैरह में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, 51 नंबर तो हमने कर लिया है, इसके बाद आ जाते हैं 52 नंबर क्वेश्चन, इसके अलावा देख लेते हैं। अभी इसमें पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 कि निम्न में से कौन सा या कौन सी भूकंप तरंगे हैं सबसे पहले आप कह सकते हैं सिस्मोग्राफ पर दर्ज की जाती है। तो ये ध्यान रखना है, ये अभी हाल ही की परीक्षा एक बीपीएससी हुई थी बिहार में TRE 3, ये वहाँ पर भी या TRE 1 में या 2 में पूछा गया था, तो ध्यान रखना बीपीएससी द्वारा पूछा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा पी तरंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है जो है 53 नंबर क्वेश्चन कि अम्ल वर्षा में पाए जाने वाले प्रमुख दो अम्लों के नाम बताइएगा। तो हम जानते हैं एक तो H2SO4 बनेगा और एक HNO3 बनेगा, ठीक है। तो इसे तो सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, इसे नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक ये पहले नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है, इसमें पूछा है कि भोपाल त्रासदी में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। तो आप भी जानते होंगे जो MIC होते हैं ना, मिथाइल आइसोसायनेट, ये ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, और ये तो सिंपल ही क्वेश्चन आते जा रहे हैं अब यहाँ से आगे। तो जैसे 55 नंबर क्वेश्चन है आप देख पा रहे होंगे, ये पूछ रहा है कि ध्वनि को मापने वाली इकाई कौन सी होती है, तो वो डेसिबल हो गई। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, दो सही हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा जो हमने अभी बताया था, ठीक है। यानी ध्वनि मापने की इकाई कौन सी होगी, तो वो आपकी डेसिबल हो जाएगी। इसके अलावा एक समुद्र के नीचे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या समुद्र के नीचे भूस्खलन का कारण बन सकता है, तो इसका क्या कारण बन सकता है, बाढ़, सुनामी, जल भराव, चक्रवात। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनामी, ठीक है। ये सभी है ना, सब NCERT ज्योग्राफी से पूछे हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल सम्मेलन है ओजोन परत के क्षणकालिक पदार्थों को बचाने से संबंधित है। तो वो आपका हुआ था वियना सम्मेलन हुआ ना, ओजोन परत के क्षण से संबंधित, ओजोन को यानी उसकी परत है उसे कम करने के लिए, तो निश्चित तौर से इसमें यही होगा, वियना सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत में किस वर्ष में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, प्रदूषण केंद्र कब स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था आपका 1974 में, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ये किंगाली संशोधन है संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा, नहीं इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी जो आपकी HCF है ना, हाइड्रोफ्लोरो CFC बोलेंगे, सॉरी HFC, इसे बोलेंगे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC के उपयोग को कम करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा है कि ओजोन परत के बारे में जो सही है वो बताइएगा, जैसे कि यह 3 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बनी होती है तभी हम इसे O3 बोलते हैं, ये बात सही है। इसका रंग हल्का नीला होता है, ये भी बात सही है। इसकी मोटाई रैम में मापी जाती है, रैम में तो कंप्यूटर की मेमोरी से संबंधित होता है, जिसमें दो प्रकार की होती है प्राथमिक द्वितीयक, तो ये उससे संबंधित नहीं होगा, यहाँ पे हम डॉप्सन इकाई का उपयोग करते हैं,
तो आपने इससे पहले क्वेश्चन किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये तो होगा नहीं, फिर हमें पूछा गया था सही, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी क्षोभ मंडल और समता मंडल के दोनों मंडलों में पाई जाती है, यानी ये कह रहा है कि जो आपका समता मंडल होता है वो करीबन 13 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर के मध्य होता है, ठीक है। इससे ऊपर होता है करीबन 50 किलोमीटर तक समता मंडल, तो इनके मध्य की बात कर रहा है, तो इसी के मध्य पाया जाता है ना समता मंडल। तो निश्चित तौर से ये दोनों चीज़ें यानी 3 नंबर, 4 नंबर और 1 नंबर ये सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा 3 नंबर। तो इसमें 1 3 4 1 3 4 किसका सही है? 1 3 4 एक नंबर सही था, 3 नंबर और 4, 1 3 4 तो इसका, अरे 1 3 4 नहीं होगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ 1 3 4 ये गलत मैंने बता दिया है। जब हम मैंने कहा था कि ये इसकी इकाई है वो डॉप्सन में मापी जाती, रैम में नहीं मापी जाती, तो हम कहेंगे 1 2 और 4, 1 2 4 सही होगा, 1 2 4, 1 2 4 है 3 नंबर ऑप्शन में, ठीक है। मेरे बोलने में गलती हो गई थी, और बाकी देखा जाए तो इसका राइट आंसर आप खुद से भी लगा सकते थे, क्योंकि इसमें रैम है वो इसकी इकाई रैम में नहीं मापी जाती, डॉप्सन में मापी जाती, इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर है 3 गलत था, बाकी सभी सही थे। क्वेश्चन नंबर 61 पर है, ये कह रहा है भारतीय मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था आपका 1970 में, के बाद में किया गया था, ये किया गया था आपका 1975 में, ये ध्यान रखना है, ठीक है, 1975 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका संबंधित हो जाएगा, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये संबंधित हो जाएगा आपका जोधपुर। भारतीय जंगली गधे का अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है। इनके अलावा और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 वह है, राजस्थान का कौन सा समुदाय वन्य जीव संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए प्रसिद्ध है? तो वो बिश्नोई समाज है। नेक्स्ट, भारत द्वारा हाथी परियोजना किस वर्ष लॉन्च किया गया था? अभी हाथी पूछ लिया है, तो निश्चित तौर से इसे हाथी का जो था वो 1992 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, यानी जो प्रोजेक्ट था हाथी से संबंधित वो आपका प्रोजेक्ट है पारित किया गया था 1992 में, या लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि नंदा देवी बायोस्फीयर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके उत्तराखंड से संबंधित हो जाएगा। IUCN का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्विट्जरलैंड में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि कौन सा अभयारण्य और अथवा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में नहीं है? तो आप है ऐसे कह सकते हैं, सरिस्का आपके अलवर में है, ताल छापर चूरू में है, मौलिर राष्ट्रीय उद्यान ये नहीं है, और इनके अलावा कौन सा ऑप्शन है, सीता माता अभयारण्य है ये आपके राजस्थान का एक प्रतापगढ़ जिला है, ये उसी में आता है प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में, ठीक है। तो प्रतापगढ़ मुख्य होता है, इसमें उड़न गैलरी पाई जाती है, तो इसमें मॉडल हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट, क्योंकि यही संबंधित नहीं है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में रामसर स्थल कौन सा है इसमें से? तो वो आपकी सावर जिले है ना, वो हो जाएगी, ये अजमेर और जयपुर के कुछ क्षेत्र में पाई जाती है, तो सावर जिले हो गई। एक और स्थान है राजस्थान में रामसर साइड में, केवला देव घनापच्ची बिहार है जो आपके भरतपुर में, उस वो भी है आपके रामसर साइड में। ये कह रहा है कि पौधे की प्रजाति ये है जो एक बड़ी संख्या में उगती है, लेकिन वो पूरी दुनिया में भारत के केवल 20 स्थान में पाई जाती है, तो ये किस प्रकार की प्रजाति है? तो ये स्थानिक है, यानी एक पर्टिकुलर स्थान में पाई जाती है, जिस प्रकार राजस्थान वो मगर राजस्थान में जिस प्रकार कंगारू है वो ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत ही पाए जाते हैं, तो वो आपका स्थानिक हो जाता प्रजाति, ठीक है, वो हर जगह पाई जाती है, उसे पेंडेमिक बोलेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ये आपके जैसे कि कोरोना हुआ था तो वो पेंडेमिक बीमारी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 है, इसमें से असुमिलित को छाटिएगा, जैसे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, ये वैसे पेरियार केलर में, ये भी एक कान्हा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में। बाकी सिवलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है ये उड़ीसा में, ये वैसे ये 1 2 1 2 4 ये सही है, गलत है वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसमें पूछा है आपसे क्या पूछा है, गलत है वो चूज किए असुमिलित,
युग को पहचानिएगा। जैसे उड़न गिलहरी की बात करें तो ये माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य, ये गलत हो जाएगा, यूँ हो जाएगा, ये उड़न गिलहरी है ना, ये पाई जाती है। अभी मैं कर रहा था क्वेश्चन तब बताया था सीता माता अभ्यारण्य पाई जाती है, ये डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, वहाँ पर पाई जाती है। बाकी माउस डियर है फुलवारी की नाल, फुलवारी के नाल ये उदयपुर में आती है, वहाँ पर पाया जाता है। चौसिंगा है कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य पाए जाते हैं। फिशिंग कैट है ये गाना राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। लेकिन ये जो गलत है वो चार नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जैसे कि सतत विकास की अवधारणा जिसमें दी गई है आपको इसमें से चूज करनी है, तो हम कहेंगे ये संबंधित हो जाएगी आपकी कह सकते हैं आपके जैसे पर्यावरण विकास संबंधित है, सतत विकास की अवधारणा दी गई है तो इसमें किसी में नहीं होगी, ऑप्शन नंबर चार सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, क्वेश्चन नंबर 74 किस प्रकार पूछा है, ये कह रहा है कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था, तो ये 1952 में प्रारंभ किया गया था। तो ये ध्यान रखना ये एक रीट परीक्षा हुई थी राजस्थान में 2022 जुलाई में परीक्षा हुई थी, वहाँ पर पूछा गया था यही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका जुलाई में मनाया जाता है 11 जुलाई को, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इसमें से अत्यधिक जनसंख्या का निम्न में से कौन सा परिणाम होगा, तो जनसंख्या निम्न में से कारण क्या होगा, प्राकृतिक संसाधनों का पर्याप्त भंडारण और भूमि एवं नवीनीकरण संसाधनों पर दबाव, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा, तो भूमि में भी कमी आएगी और नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन जितने हैं उनमें भी कमी आएगी जनसंख्या अधिक होने से। भारत के हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, तो वो आपके M.S. स्वामीनाथन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक जल से उत्पन्न होने वाली बीमारी नहीं है, दस्त जल से हो सकते हैं, एजा से भी हो सकते हैं, यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि जल अगर अशुद्ध है या गंदा है उसे दस्त भी हो सकते हैं, हैजा भी हो सकता है, पेचिस यानी ये भी हो सकता है, पेचिस बीमारी यानी जिसे डायनेस्टी बोलते हैं, डायनेस्टी मलेरिया है, ये मलेरिया आपके मच्छर के द्वारा होता है ये, ठीक है, तो ये नहीं होगा, बाकी तीनों हो जाएंगे। किसे कैंसर होता है, तो कैंसर तो वो कैंसर जन होगा ना उससे ही होगा, जो भी चीज कैंसर करने वाली होगी उसी से होगा ना, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है निम्न बीमारियों पर विचार कीजिएगा, जैसे कि ये दे रखी है, अब जैसे कि हेपेटाइटिस ए, पोलियो, कॉलेरा, टाइफाइड, गलसुआ, इसमें से बताना कि जल से कौन कौन सी बीमारियां होंगी, तो हेपेटाइटिस ए भी हो जाएगा, पोलियो भी हो जाएगा, कॉलेरा, टाइफाइड हो जाएगा, लेकिन गलसुआ नहीं होगा, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, हमें पूछा गया था जल से बीमारी, तो इसमें सभी हो जाएंगे केवल 5 को छोड़कर, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। HIV नहीं फैलेगा, तो HIV देखो रक्त आदान प्रदान करने से फैलेगा, हाथ मिलाने हाथ खाने से ये नहीं हो सकता, बाकी यौन संबंध से फैल सकता है, दाढ़ी बनाने वाले जो ब्लेड होता है उससे भी फैल सकता है, लेकिन हाथ मिलाने और खाना खाने से नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कौन सा रेगिस्तान के बारे में सही है, तो हम कहेंगे ये गर्म और ठंडे हो सकते हैं, निश्चित तौर से हो सकते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा दिन गर्म होगा रात भी उतनी जल्दी ठंडी हो जाएगी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है संयुक्त वन प्रबंधन जिसे GFM बोलते हैं, क्या बोलते हैं GFM, तो ये बताइएगा ये किससे संबंधित है, अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम क्या कहेंगे, हम ये कह सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी जो सरकार और स्थानीय लोग साथ में कार्य करते हैं उसे ही बोलते हैं GFM, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इसमें से असुमेलित को पहचान कीजिए, जैसे विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, विश्व जैव विविधता दिवस है, ये क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है, बाकी विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को सही है, और विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को, शायद विश्व जैव विविधता दिवस है वो 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है, तो इसका फिर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा ना, बिल्कुल सही है 2 ही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें बताना है कि भारत की कौन सी अधिसूचना द्वारा विकास परियोजना की सूची जारी करने
ई आई ए की स्वीकृति आवश्यकता होता है। ई आई ए को बोलते हैं हम जो पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, इसमें दे रखा है क्या, इसमें दे नहीं रखा है लेकिन आगे मिल जाएगा। तो ये कब पारित किया गया था, ये कब स्वीकृति मिली इसे? इसे स्वीकृति मिली थी 27 जनवरी 1994 को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि EMS क्या है, ये किसके लिए टर्म यूज की जाती है, पर्यावरण प्रबंधन तंत्र से संबंधित है, सही है ना, ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये नासा द्वारा प्रथम सुदूर संवेदन उपग्रह छोड़ा गया था, तो ये इनमें से हो जाएगा लैंडसैट 1, यानी जिसे कहते हैं लैंडसैट, तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 88वां क्वेश्चन नंबर है, एक पर्यावरणीय लेखा परिचय प्राप्त करने में मदद करती है, तो हम कहेंगे ये सभी चीजें करेंगी, चाहे वो संसाधन का अनुकूलन हो या अपशिष्ट में कमी करना हो या लोग जागरूकता है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के किस विधान के अधीन पर्यावरणीय प्रभाव आकलन आवश्यक है, तो हम कहेंगे ये संबंधित हो जाएगा आपके पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन जिसे मैं जब से कह नहीं रहा था EIA, ये यानी इसे बोलते हैं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की सबसे अच्छी ज्ञात मैट्रिक्स विधियों में से एक कौन सी है, इसमें से ये ध्यान रखना है, लियोपोल्ड मैट्रिक्स है और ये उच्च लेवल का क्वेश्चन है, और वैसे देखा जाए कंपटीशन में पूछा जा सकता है पूछने को, लेकिन ये जिसमें 10th तक आती है उसमें तो नहीं पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रणाली को बनाने वाला सर्वप्रथम कौन सा देश था, यानी जैसे EIA बोल रहे हैं इसे बनाने वाला या इस सिस्टम को बनाने वाला कौन सा देश है, तो वो अमेरिका हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका कह सकते हैं 2 सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन फिर से आ गया, GIS किस प्रकार के आंकड़ों से संबंधित है, यानी GIS ये किस प्रकार के आंकड़ों से संबंधित है, तो हम कहेंगे ये आपके स्थानिक जो विषय होते हैं ना स्पाइशियल डाटा उससे संबंधित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पर्यावरण प्रभाव आकलन जिसे हम EIA बोल रहे हैं कि क्षेत्र में EAC का क्या रोल है या किसके संदर्भ में उपयोग की जाती है, तो ये की जाती है आपकी विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, सुदूर संवेदन में ऊर्जा का कौन सा मुख्य स्रोत माना जाता है, तो वो आपकी इनमें से ठीक है, सुदूर संवेदन में ऊर्जा का कौन सा प्रभाव, तो विद्युत चुम्बकीय हो जाएगा ना इसका राइट आंसर, क्योंकि इसे निर्वात कह सकते हैं, इसे वातावरण की आवश्यकता नहीं होती है। अब फिर से आ गया, EIA के पदों का सही क्रम क्या होगा, EIA के पदों का क्रम अगर देखा जाए आप ऐसे रट्टा भी मार सकते हैं इसे, पहले स्क्रीनिंग होगी, फिर स्कूपिंग होगी, फिर प्रभाव विश्लेषण होगा, फिर न्यूनकरण होगा और फिर उसका प्रबंधन होगा। इंग्लिश ध्यान रखना, स्क्रीनिंग स्कूपिंग इम्पैक्ट एनालिसिस और मिटिगेशन एंड इम्पैक्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इस पर क्या करना है कि ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें पूछा है कि EIA प्रक्रिया के परीक्षण विधियों का चयन कीजिएगा, आप इसे रट सकते हैं कि कौन कौन सी विधियाँ आती हैं, तो इसमें से हो जाएंगी ये सभी विधियाँ आ जाएंगी, ठीक, चाहे वो तदर्भ हो, आवरण हो, परीक्षण सूची हो, मैट्रिक्स नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, जलवायु परिवर्तन पर भारत की पहली राष्ट्रीय कार्य योजना यानी NPCC कब प्रारंभ की गई थी, तो ये आपकी प्रारंभ की गई थी कह सकते हैं 2008 में। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य केवल यही था, क्या था कि औद्योगिक क्षेत्र, जो भी औद्योगिक क्षेत्र हैं उनमें जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम किया जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन जीने का अधिकार के बारे में बात कही गई है, तो वो आपके आर्टिकल 21 में कही गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वेसल सम्मेलन से संबंधित क्या है, तो वेसल जो सम्मेलन हुआ था ये संबंधित था आपके हानिकारक अपशिष्ट एवं उनका निस्तारण करने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था आपकी ग्रीन हाउस गैसों का स्थिरीकरण करना था। नेक्स्ट है कि मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 कहाँ पे हुआ था, तो ये आपका स्टॉकहोम में हुआ था,
ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर सही हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, जैसा देख पा रहे होंगे 103 नंबर क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है कि राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कितने क्षेत्रीय केंद्र केंद्र जून 2019 तक स्थापित कर लिए हैं। तो ये कह सकते हैं इन्होंने स्थापित कर लिया अब तक 15। मोंट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो मोंट्रियल प्रोटोकॉल है वो ओजोन परत संरक्षण से संबंधित हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका फिर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 105, इसमें पूछा है रियो घोषणा पत्र के 17 सिद्धांत संबंधित हैं, वो किससे संबंधित हैं, तो वो संबंधित हो जाएंगे आपके, आप कह सकते हैं पर्यावरण प्रभाव आकलन, जिसे EIA जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित किया गया था, ये उसी से संबंधित है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण कब स्थापित किया गया था, ये 2010 में किया गया था, जिसे NGT बोलते हैं, और ये हमने शुरुआत में भी क्वेश्चन किया था इससे संबंधित। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कौन सा है जो ISO पर्यावरण के ऑडिट प्रोटोकॉल को निर्दिष्ट करता है, इनमें से कौन सा होगा, तो वो होगा ISO 14064, यही होगा, ये नहीं हो सकता, ये होगा, गलत बता दिया है, ये 4 नंबर ऑप्शन होगा, ISO आपका 14001 होगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि तापीय प्रदूषण में होता है, तो हम कहेंगे जो भी जलाशय है उसमें ताप वृद्धि हो जाएगी, वातावरण के ताप में भी वृद्धि हो जाएगी, प्रदाह के तापमान में वृद्धि हो जाएगी, इनमें से सही कूट का चयन कीजिए। अगर तापीय प्रदूषण की बात की जाए तो हम कहेंगे तापीय प्रदूषण में होता है, तो हम कहेंगे जलाशय का तापमान बढ़ जाएगा, सही है ना, तो ऑप्शन नंबर पर एक ही सही हो जाएगा, बाकी नहीं होगा कोई भी सही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो आर के मिश्रा है, यानी जो आर मिश्रा बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो वो 5 जून को। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, रोहिड़ा। राजस्थान में गंभीर रूप से विलुप्त प्राय पक्षी कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा घोड़ा वोड़ा, ठीक है, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोलते हैं। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वो अरावली पर्वत श्रृंखला हो जाएगी, जो आपके राजस्थान में गुजरती है, और ये आपके दिल्ली की कौन सी रायसीना पहाड़ी तक जाती है, ये वैसे गुजरात से निकलती है और ये सीधी दिल्ली के लिए जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, खिजड़ली गांव जो खिजड़ी के वृक्षों के संरक्षण हेतु बलिदान के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान के जिले में, ये जोधपुर में स्थित है, 1730 की ये कहानी है। नेक्स्ट है, हवा की गति मापने वाली इकाई क्या होती है, तो वो उसे नॉटिकल मील प्रति घंटा बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। वायुमंडल में वायु के वेग को मापने का कौन सा कारक निर्धारित करता है इसमें से, तो हम वायुमंडलीय दबाव बोल सकते हैं उसे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सी झील है राजस्थान में जो प्रसिद्ध खारी है, खारी एकमात्र नहीं है, बहुत सारी है, लेकिन सावर झील है, ये वेटलैंड में आती है, साथ ही साथ ये पूछा है प्रसिद्ध खारी झील कौन सी है, तो वो सावर झील हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, कौन सा प्रति सम्मेलन से संबंधित है इसमें एक, अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, संयुक्त तो राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 है, इसमें आपको निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर, या कह सकते हैं निम्न स्तर से उच्च स्तर की जाना है, तो आप इसमें से क्या चूज करेंगे ऑप्शन, आप अगर ध्यान से देखें तो पहले समष्टि होती है जिसे पॉपुलेशन बोलेंगे, फिर उसके बाद समुदाय बनते हैं, फिर समुदाय जब पारिस्थितिक तंत्र बनता है तब जीवों में बनता है एक पूरा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से जो ऊर्जा प्राप्त करने वाले जीव को क्या कहते हैं, इसे कीमोलिथो ऑटोट्रॉफ बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, यानी अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करने वाले जीव को कीमोलिथो ऑटो टॉप बोलते हैं। भाई साहब ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत विभिन्न परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अकार्बनिक पदार्थों को एक ऐसी भी टर्म पूछी जाती है, जैसे अकार्बनिक पदार्थ, उन्हें कार्बनिक पदार्थ में चेंज करने के लिए हम किर का उपयोग करते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है, यानी आप ऐसे कह सकते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं, मैं अगर बात करूँ तो कि जटिल कार्बनिक पदार्थों को, यानी जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ये ध्यान रखना, जो जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं इन्हें आप सरल कार्बनिक पदार्थों में चेंज कर रहे हैं, ठीक है,
मैंने ये लिख रहा हूँ, सरल कार्बनिक पदार्थों में आप इसे चेंज कर रहे हैं, तो आप बताइएगा ये यहाँ तक चेंज करने में इसमें इस विधि को किसके द्वारा किया जाता है या किन के द्वारा। तो हम इनमें एक उदाहरण दे सकते हैं, केचुआ हो जाएगा, और जो सरल कार्बनिक पदार्थ बने हैं इन्हें आपको सरल अकार्बनिक पदार्थों में चेंज करना है, तो ये किसके द्वारा करेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आप, है नहीं तो विभिन्न प्रकार के जो पर्यावरण के अध्ययन के क्वेश्चन करेंगे ना उनमें मिलेगा। तो इन्हें चेंज करने के लिए सरल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में चेंज करने वाले जीव हो गए, उनका नाम आता है जीवाणु, और ये भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं, जीवाणु और कवक, यानी जिन्हें हम बोलते हैं डिकम्पोजर बोलते हैं, डिकम्पोजर, और ये वाला था ना जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में चेंज करते हैं, तो इन्हें केचुआ के द्वारा किया जाता है, लेकिन इस विधि को कहते क्या है, तो ध्यान रखना है ये डेट्री बोरस कहलाते हैं, ये भी क्वेश्चन हमने कर रहे थे, तो क्वेश्चन नहीं था लेकिन क्वेश्चन में ये ऑप्शन दे रखा था डेट्री बोरस, बोरस डेट्री बोरस, ये ध्यान रखना है, यानी जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में चेंज करने वाले एग्जाम्पल केचुआ होगा, लेकिन इस विधि को क्या कहते हैं डेट्री बोरस, अगर सरल कार्बनिक पदार्थ है उसे सरल अकार्बनिक पदार्थों में चेंज करना है तो इसे किन विधि के द्वारा और किन के द्वारा किया जाता है, तो जीवाणु कवक नाम में आएगा, इस विधि को डिकम्पोजर बोलते हैं, यानी इन जीवों को बोलते हैं एक तरह से। इस प्रकार हमने करीबन ये क्वेश्चन किए हैं, समथिंग 120 क्वेश्चन है, हो सकता है आप जितने भी क्वेश्चन कर पा रहे हो वो बेस्ट हो, ठीक है, और बाकी जो लास्ट के क्वेश्चन थे वो इम्पोर्टेंट थे, शुरुआत के क्वेश्चन है, कुछ बीच में इसमें कुछ टर्म ऐसी आई थी वो मोस्टली पूछी भी नहीं जाती हैं, ठीक है, और बाकी जैसे जितने भी सम्मेलन है पर्यावरण संबंधी वो पूछे जाते हैं, साथ ही साथ जितनी भी स्टेबिलिटी की गई थी चाहे वो वन वन संरक्षण अधिनियम हो, चाहे वो आपदा से संबंधित बहुत सारे इसमें या प्रदूषण से संबंधित संस्थाएं थी, एनजीटी थी, ये विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो पारिस्थितिकी से नहीं पूछे गए, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखेंगे जो आपके सभी से संबंधित क्वेश्चन होंगे, इस पर भी हमने 120 क्वेश्चन किए हैं, ये परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है सभी, और बाकी किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो कमेंट में बता देना, बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।